वेलकम गाइस माय चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने समर कार्ड को है वो प्रिंट कर सकते हो, किस तरीके से आप बिना किसी ऑनलाइन शॉप पे जाए खुद से समर कार्ड को है वो निकाल सकते हो। गाइस अगर आप वीडियो बनाए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो गाइस बिना देरी के चलते हैं अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पर और वहाँ जाकर मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो हम अपने लैपटॉप या पीसी की होम स्क्रीन पे आ गए हैं। आपको सिंपली अपने लैपटॉप या पीसी या फिर मोबाइल पे किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलिए तो हम यहाँ पर किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और आपको सिंपली ब्राउजर पर सर्च बार पर टाइम होता है, आपको सिंपली टाइप कर देना है सामग्र पोर्टल। तो आप इंटर को प्रेस कर दोगे आप सामने को इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। आपको फर्स्ट बार जो लिंक है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे आपको सामक पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। आपको परिवार आईडी से या फिर परिवार सदस्य आईडी से सामक आईडी प्रिंट करें, आप इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अगर आपके पास परिवार आईडी है तो आप परिवार आईडी से ग्राहक को जो सामग्र आईडी है वो सामग्र आईडी का प्रिंट करके दे सकते हो। अगर आपके पास सदस्य आईडी है तो उससे भी आप ग्राहक को सामग्र आईडी है वो प्रिंट करके दे सकते हो। अगर ग्राहक का मोबाइल नंबर सामग्र आईडी के साथ रजिस्टर्ड है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। चलिए तो मैं आपको परिवार आईडी से ग्राहक का सामग्र कार्ड प्रिंट कैसे करें ये बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको परिवार आईडी क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड जो भी परिवार आईडी है वो परिवार आईडी को फिल कर देना है। चलिए तो हम परिवार आईडी को फिल कर देते हैं। आप देख सकते हो हमने अपनी परिवार आईडी को फिल कर दिया। आप सिंपली सामग्र कार्ड प्रिंट करें फिर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो हमारा जो सामग्र कार्ड है वो प्रिंट हो गया है। आप सिंपली प्रिंट पर क्लिक कर देना और इस सामग्र कार्ड को प्रिंट करके कस्टमर को दे देना। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।